हाय एवरीवन, आज बात करेंगे डिलीवरी के एकदम बाद अगले 6 to 8 months के लिए बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। नाउ डिलीवरी के इमीडिएटली बाद आपको हेयर फॉल होता क्यों है, देयर इज नथिंग टू वरी, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आपको ये पता होना चाहिए कि हर रोज 40 to 50 हेयर स्ट्रैंड्स गिरना नॉर्मल है, वो गिरते हैं और न्यू हेयर उनको रिप्लेस कर देते हैं, ये लाइफ लॉन्ग साइकिल है। लेकिन ड्यूरिंग नाइन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आपके हॉर्मोन्स इतने हाई होते हैं कि वो जो नॉर्मल 40 to 50 हेयर हर रोज गिरने थे वो नहीं गिरते हैं। अब ड्यूरिंग 9 months जो 40 to 50 हेयर पर डे नहीं गिरे, वो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद जैसे ही आपके हॉर्मोन्स नॉर्मल होते हैं, वो आपके जो 50 to 40 हेयर्स थे पर डे वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस जो पिछले 9 months के 40 to 50 हेयर नहीं गिरे थे वो भी साथ में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसे परसीव करते हो कि डिलीवरी के इमीडिएटली बाद आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया है, जबकि वो नॉर्मल है। जो पिछले 9 months से नॉर्मल हेयर फॉल नहीं हुआ था, जो रुका हुआ था बिकॉज ऑफ हाई हॉर्मोन्स, वो वाला हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, प्लस जो नॉर्मली होना ही था 40-50 डेज रेगुलर जो होता है, इसलिए आपको ऐसे परसीव होता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और आप बॉल्ड हो जाओगे, आप पैनिक करने लगते हो। तो ये सब आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझिए कि हॉर्मोन्स के अप और डाउन होने की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। सेकेंडली, पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल इसलिए होता है बिकॉज मेनी वुमेन वो बहुत ज्यादा ब्लड लूज कर देती है, तो उनकी बॉडी के अंदर आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन डिफिशियंसी है तो डेफिनेटली पोस्ट डिलीवरी हेयर आप लूज करेंगे। तो जस्ट गेट योर सीरम फेरेटिन लेवल चेक। सीरम फेरेटिन लेवल आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में खाली पेट कराएं, अगर वो 70 से कम है तो दैट मीन्स आपका हेयर फॉल होगा, तो आप क्योंकि आपका आयरन की कमी है। तो डिलीवरी के टाइम बिकॉज ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है तो आयरन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो आपने सिर्फ अपना आयरन चेक करा के आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं डॉक्टर की सलाह से 3 months के लिए। और प्लस इसके अलावा तीसरी चीज, अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, मल्टीविटामिंस लीजिए, बिकॉज ओवरऑल बॉडी पे डिलीवरी के टाइम बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो न्यूट्रिशन विटामिंस वगैरह की कमी हो जाती है, उनकी सप्लाई कम हो जाती है। तो आप मल्टीविटामिंस खाइए या कच्चा खाना ज्यादा खाइए, जैसे फ्रूट सैलेड्स, स्प्राउट्स, बीज सीड्स का मिक्सचर, आंवला, डेट्स, तो ये सब खाइए। सो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्यों डिलीवरी के बाद आपका इमीडिएटली नेक्स्ट 6 to 9 months के लिए हेयर फॉल हो रहा है। एक तो बिकॉज सडनली जो बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स थे वो कम हो गए हैं, तो उन्होंने 9 months तक तो बाल गिरने नहीं दिए, अब फेवल हॉर्मोन्स ने जैसे ही वो कम हुए तो पुराने नॉर्मल हेयर फॉल जो होना था प्लस जो अभी नॉर्मल हेयर फॉल होता है वो होना शुरू हो गया। सेकेंडली, आयरन की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। और तीसरा, ओवरऑल बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, बिकॉज बेबी को भी न्यूट्रिशन चाहिए, आपको भी न्यूट्रिशन चाहिए। और अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली तो न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस की कमी की वजह से हेयर फॉल हो जाता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज पौष्टिक खाना खाना है, मल्टीविटामिन टेबलेट्स या आयरन टेबलेट्स डॉक्टर की सलाह पे लेना है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आप गंजे नहीं होंगे, कोई ये परमानेंट हेयर फॉल नहीं है, सब रिकवर हो जाएगा। इट इज जस्ट दैट पोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी बॉडी अंडरगोज लॉट्स ऑफ चेंजेस, सो इट इज जस्ट हेयर ऑल्सो गोज लॉट्स ऑफ चेंजेस, सो इट इज जस्ट दोज नॉर्मल चेंज। Take care of your diet, be happy and everything is going to be normal. Stay tuned, do subscribe our channel by the name Dr. Anvika and we'll meet you in the next video.